और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हमारी आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो आंदोलन से निकली पार्टी है। और उत्तराखंड भी, उत्तराखंड की मांग भी एक आंदोलन से हुई है। और 21 साल हो गए आज उत्तराखंड को बने हुए, हमें क्या मिला आप जानते हैं। 21 साल में हमने 3 सवाल पूछे सरकारों से, कोई जवाब नहीं मिला। हमने कहा कि रोजगार बच्चों को नहीं दिया, हमने कहा कि हमारी माँ बहनों को अच्छा अस्पताल क्यों नहीं दिए। आज हमारी माँ बहने, हमारी बेटियां गांडी गांडी माँ पुलिस पीड़ा के दौरान जब दम घुटती ना तब भोग निर्माण हो। हमने पहले गारंटी थी 300 यूनिट बिजली फ्री और 24 घंटे बिजली आ रही, बिजली आ रही है, 24 घंटे बिजली आ रही। और जब मुख्यमंत्री मंत्री विधायक 4000 यूनिट बिजली फ्री ले सकते ना, तो हम आम आदमी क्या नहीं। और हम दूसरी गारंटी थी हर घर रोजगार, और जब तक नहीं रोजगार तब तक सबको मिलना 5-5 हजार। और 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी देना बच्चों हम, क्या हमारे बात आपसे, हमारी बात नहीं, हमारी गारंटी थी, हमारी कोई घुसनी हमारी। जैसे जैसे 2022 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपनी रैली और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रही है। अभी आपने देखा होगा कि परसों ही प्रधानमंत्री मोदी ने 18000 करोड़ की योजनाओं का देहरादून में शिलान्यास और लोकार्पण किया। पहले उत्तराखंड के पहले विधानसभा चुनाव में जो कि 2002 में हुआ था, बहुजन समाज पार्टी ने 7 सीटें हासिल की थी। आम आदमी पार्टी भी पहली बार विधानसभा चुनाव में अपने 70 प्रत्याशी उतारने जा रही है। आज हमारे साथ युवा कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से आप, हाँ आप जो हैं मतलब हमें जो कि कर्नल अजय कोटाल ने हमारी बहुत मदद की है, जो कि हमारे लिए यूथ फाउंडेशन ने कैंप लगाया और हमें मतलब बहुत ट्रेनिंग देते हैं वो और हमारी बहुत हेल्प करते हैं। और इस यूथ फाउंडेशन कैंप से हमें भर्ती में मतलब हमारी भर्ती की तैयारी होती है और हमें यहाँ से बहुत सपोर्ट मिलता है और बहुत सहायक मिलती है कि हम भर्ती की तैयारी करते हैं यहाँ से। और खुशी की बात यह है कि यहाँ ना कोई फीस पड़ती है ना कुछ, और हमारे यहाँ मेडिकल लिया जाता है, मेडिकल फिट होने के बाद हमें यहाँ यूथ फाउंडेशन का हमें ज्वाइन दिया जाता है। और अजय कोटाल साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है जी, जी। और मेरा वोट आम आदमी पार्टी अजय कोटाल को जी जी। बहुत अच्छा, तो आप लोगों के बीच कैसा रुझान है आम आदमी पार्टी का, मतलब जोश दिख रहा है आप लोगों को? जी, अच्छा अच्छा, आप सपोर्ट करते हैं आम आदमी पार्टी को? हमें नहीं, पूरा उत्तराखंड लगभग सपोर्ट करते हैं। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ क्रांतिकारी विचारों के साथ और कुछ अगर कर्नल अजय कोटाल आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो हमें तो यही लगता है कि कुछ ना कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी में तो है ही वो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है ना आपके 2022 का। आम आदमी पार्टी का जो थॉट है, थिंक टैंक है, जो मतलब एक पॉजिटिव साइन है युवाओं के लिए, तो वो उसको देखते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और ये पार्टी मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफी एक बिगेस्ट रोल यहाँ पे वो करेगी, लोग मोटिवेशन करेगी जो लोग यहाँ के मतलब यंगर, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन तो है बट जो एक रोजगार वाला मुद्दा है वो हर कोई एक युवा फेस करता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस चीज के लिए जो मुझे लगता है हमारी पार्टी काफी ज्यादा मोटिवेटेड है और पार्टियों के अगर हम कंपैरिजन किया जाए तो। आपको लगता है कि एक मौका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए सर। आप लोग भैया, आप लोग कुछ कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग जोश है आप लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा 2022 का श्री कर्नल अजय कोटियाल जी यहाँ पर हैं और हमारे साथ उनके कार्यकर्ता हैं। हम जानेंगे कि किस तरह से रैली का माहौल रहा, आप बताएंगे क्या किस तरह से? जी, रैली तो देखो जो जना आज श्रीनगर गढ़वाल में जो अपार जन समर्थन कर्नल साहब की रैली को मिला, आम आदमी पार्टी को मिला, इससे कहीं ना कहीं संकेत है बीजेपी और कांग्रेस के लिए, ये कहीं ना कहीं ये सीधा संकेत है कि 2022 को जो चुनाव होने वाला है इसमें मुख्य भूमिका में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी रहेगी और आम आदमी पार्टी ही तय करेगी उत्तराखंड में किसकी सरकार बननी है और कैसे सरकार बननी है। आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर बात कर रही है। ये पार्टी एक विजनरी पार्टी है, इसमें पढ़े लिखे लोगों की बात होती है, इसमें शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात होती है। धन्यवाद।
हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के 2022 विधानसभा के मुख्यमंत्री चेहरा श्री कर्नल अजय कोठियाल जी, बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत सर। अभी भाजपा धामी जी के नेतृत्व में 2022 में चुनाव लड़ रही है, जैसा कि उन्होंने अलग अलग संगठनों को काफ़ी मानदेय बढ़ा के दिया है और उन्होंने अपने पक्ष में उनको करने की कोशिश की है और 2025 तक उत्तराखंड को सबसे विकसित प्रदेश बनाने की उन्होंने घोषणा की है, तो इसमें आपकी कितनी चुनौती है आपके लिए फिर इसमें? कोई चुनौती नहीं है जी, घोषणाएं करना तो कोई बात नहीं होती, बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं जी, जी, जी। उसमें वो ये कर रहे हैं कोशिश कि मोदी जी आकर के चीजें करेंगे यहाँ पे, तो इससे ना जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, जी। वैसे अगर बोले तो जनता की तो ये स्टेट है इस टाइम पे कि धामी जी को यही नहीं पता कि वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे जी, जी। वो रहने वाले खटीमा के हैं जी। लेकिन पहले खटीमा में से विधायक है ना अभी वो, लेकिन उसके बाद ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा उनको कि यहाँ से लड़ूं कि मैं कहीं ऊपर गंगोली हट जाऊं कि कहीं काशीपुर जाऊं, तो अभी ना वो चेहरा डिक्लेयर नहीं हुए। पार्टी भी बुरी तरह से हिल रखी है, हमारे भी इंटरनली कई लोग जानने वाले हैं पार्टी में, क्योंकि हम भी तो कई केदारनाथ में काम करते थे तो इन्हीं के साथ में काफी जुड़े हुए थे जी, जी। उन लोगों को टेंशन है कि उनकी तो पावर में आनी रही है पार्टी जी, जी। कितना फर्क अब मोदी जी और अमित शाह जी आकर के कर सकते हैं, वही चीज रहेगी जी। तो बीजेपी का तो इस टाइम पे मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा हुआ है। कांग्रेस में टूट फूट बढ़ती जा रही है, मेघालय में पूरी कांग्रेस टूट करके तृणमूल कांग्रेस में भी चली गई है, यहाँ पे इनकी रिफ्ट बढ़ती जा रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत ज्यादा यहाँ पे गठबंधन वाले मतलब स्ट्रांग तरीके से आ रखे हैं, लेकिन ये है कि हमारी जो सोच है पॉलिसीज हैं उसको जनता एक्सेप्ट कर रही है जी। अच्छा सर, ये ट्रेंड देखा जाए उत्तराखंड में, मतलब जो सरकारें चुन के आती हैं, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, तो इस समय कांग्रेस का टर्न है, लेकिन इस समय आप भी आ गए, तो इसमें कितना आप मतलब सेंध लगा पाएंगे कांग्रेस में, क्योंकि आपके पदाधिकारी भी टूट के जो है बीजेपी में ज्वाइन किया है? हमारे कोई पदाधिकारी टूटने वाले है ही नहीं। देखो दिल्ली में थी बीजेपी कांग्रेस, दोनों की दोनों गायब हो गई है, 9 साल से आम आदमी पार्टी है वहाँ पे, तो यहाँ पे तो अभी पार्टी घुसरी है। बीजेपी कांग्रेस को मेहनत करनी चाहिए, समझदार बनना चाहिए, तभी जाकर के वो भविष्य में आम आदमी पार्टी के तरीके के टक्कर में आ सकेंगे जी। कितनी सीटों को आप दावा करते हैं सर उत्तराखंड में जो आप मिलेंगे? अभी दावा करने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के निर्माण की, उत्तराखंड की जो भौगोलिक जो परिस्थिति है उसके ऊपर अगर आप इसको पॉलिटिकल मैपिंग करें तो 70 विधानसभाएं बनती हैं, सभी 70 पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी। अभी 60 कोई 70 दिन के करीब अभी बचे हुए हैं, उसमें पार्टी की जिस तरीके चल रही है सर्वे में अच्छा आ रहा है, अब कितने आएंगे वो हमें नहीं पता, पर हंग असेंबली तो 100% है, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, सर्वे ने बोलना शुरू कर दिया। अच्छा सर, ये आपने हर तरह की गारंटी उत्तराखंड को दी है, तो जितनी सीटों की दावे आप कर रहे हैं वो क्या गारंटी है कि उतनी सीटें आई जाएंगे? अभी सीटों की हमने गारंटी नहीं करी, आपसे अभी बात तो हो रही है सामने, हमने बोला 70 सीटों पे लड़ेंगे और जो जितनी सीटें हम लेके आएंगे वो सरकार बनाने के लिए पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट काबिलियत वाली हो जी। अच्छा सर, ये जिला रोजगार कार्यालय के बाद आपकी पार्टी है जो दावा करती है कि बहुत से लाखों लड़कों ने, बेरोजगार लड़कों ने आपकी पार्टी में जो है रजिस्ट्रेशन किया है, तो अगर आप उन्हें रोजगार दें तो ये बहुत सराहनीय पहल होगी, लेकिन जिन मुद्दों के ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं आम आदमी के मुद्दों पर, तो इन मुद्दों पे तो जो है कांग्रेस और बीजेपी पिछले 21 सालों से राजनीति करती हुई आ रही है सर। कौन से मुद्दों पे करती हुई आ रही है? जल जंगल जमीन और ये जो भी है सर। नहीं, ये जो भी नहीं है, जल जंगल जमीन, उसके जल जंगल जमीन के हम लोग आज चौकीदार हैं जी, जी, जी। यहाँ पे जी। जल जंगल जमीन का इस्तेमाल कोई और कर रहा है, हम लोगों को ठंडन गोपाल बना दिया पार्टी ने। अगर वो राजनीति कर रही है स्वास्थ्य पे जी, जी, तो फेल हो गए हैं वो, तो ये राजनीति नहीं है, वो तो घटिया राजनीति है। अगर वो शिक्षा पे राजनीति ये कर रही है बात जी, जी, कुछ तो करा नहीं, स्कूल तो सारे बंद होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी इन्हीं मुद्दों को जो 21 साल पहले हमने जो उम्मीद थी जी, अलग होंगे उससे यूपी से जी, पूरे होंगे जी, हम उन्हें जमीन पे पूरा करेंगे, वही वाली चीज हम कर रहे हैं और ये हमने साबित करके दिखाया दिल्ली जैसी जगह में। अच्छा सर, ये चुनाव के टाइम पे जब जो है जिला बनाने की बात की जाती है, जो दावे किए जाते हैं नए जिले बनाने की, आपको लगता है कि ये जो है पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात करती हैं अलग अलग पार्टियां? मेरे को नहीं आइडिया है किस तरीके से प्लान करते हैं, लेकिन प्लानिंग इनको आती नहीं है जी, जी। खाली बोलने से चीज नहीं होती, अगर बोलने से होती तो आज ये उत्तराखंड की हालत नहीं होती कि 60,000 करोड़ का हमारे पे मतलब उबल्टा डेफिसिट हो गया है और सब लोग परेशान हो रखे हैं। हमारे यहाँ तो इतनी सुविधाएं हैं, इतनी जो फैसिलिटीज अवेलेबल है कि हम तो वैसे ही प्लस बेनिफिट में जाने वाले लोग हैं।
तो ये क्या बोलते हैं इसके बारे में, तो जनता अपने आप ही देख रही है और आगे उस पर अपना डिसीजन भी बताएगी। अच्छा, ये सर अलग अलग जो संगठन है जैसे उत्तराखंड राज्य अधिकारी कर्मचारी और शिक्षक संघ, इनका एक अपना एक संघ है जो आंदोलनरत है, इनके साथ ही जो है ऊर्जा निगम है, स्वास्थ्यकर्मी है, तो ये अपनी अपनी मांगों को लेकर एक्टिव हैं। तो आप किस तरह से मतलब जो है इनका समर्थन करेंगे मांगों का और कैसे इन्हें अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे? मैं काफ़ी मेरे से मिल रहे हैं काफ़ी जी। इनकी जो मांगे हैं वो तो जायज है जी। सरकार क्योंकि इतने सालों में अटक गई, सब वो लेवल आ गया है कि ये लोग ना सबके सब आंदोलन में आ गए। अगर कर्मचारी आंदोलन में आ रहे हैं तो फिर उस सरकार को क्या मतलब हो सकता है कि फेल है टूटली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना पक्ष। धन्यवाद।